हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज कंगोस्वामी फ्रॉम स्वासी पब्लिक स्कूल एंड यू एस एस टी टीचर। होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, एज यू नो कि हमारा जो चैप्टर था वो हमारा डेवलपमेंट चल रहा था, एंड लास्ट टाइम मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में क्या होता है बताया था। आप सभी को पता होगा कि डेवलपमेंट हर किसी का होता है, अलग अलग हर पर्सन का अलग अलग होता है, एंड एक कंट्री का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम अपने बात करें तो हमारा अलग होता है, अगर आप अपनी बात करें तो अपने अलग अलग कहते हैं ना। तो हम अगर डेवलपमेंट की बात करें, मैंने आपको ये भी बताया था कि वो क्या कहते हैं, अगर हम पॉलिटिकल के उसमें देखें तो अलग होता है, अगर हिस्ट्री के उसमें देखें तो ये अलग होता है। दोनों में ये सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। ये सब मैंने आपको बताया था, एंड इसमें हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। आप आगे फर्दर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में और ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि ट्राई टू कम्प्लीट द टेबल। हमने अभी एक टेबल जो है बनाई है, जिसमें कि क्या है कुछ कैटेगरीज, लोगों की कुछ कैटेगरीज बताई हैं, है ना। तो उसके बारे में हम बताएंगे। देखो, कैटेगरीज ऑफ पर्सन भी हैं, एंड उनके क्या है कुछ कैटेगरीज, वेट, देखो कैटेगरीज, कैटेगरीज ऑफ पर्सन भी है, डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनकी कुछ एस्पिरेशंस हैं, है ना। सबकी अलग अलग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई लैंडलेस रूरल लेबर है तो उसकी जो डेवलपमेंट गोल है, उसकी एस्पिरेशंस है, वो अलग होगी, है ना। जैसे कि मोर डे ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, वो चाहते हैं कि हमें और काम मिले, उनकी वेजेस अच्छी हो, है ना। और क्या कहते हैं, एजुकेशन, उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, है ना। नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एनी दे टू कैन बी लीडेड इन विलेजेस, है ना, वहाँ पे वो रह सके, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये एक लैंडलेस रूरल क्या होगा, जो लेबर होगा वही चाहेगा ना। अगर कोई भी अगर कोई पेरेंट्स का कोई इंसान अगर रूरल है, रूरल एरिया में रहता है, तो यही सोचता है कि हमारे वेजेस बढ़ेंगे, यही सोचेगा ना कि मुझे और काम मिले ताकि मेरे दिन के वेजेस बढ़े और मैं अपनी फैमिली को थोड़ा अच्छा कुछ दे सकूं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकूं, है ना। ये एक लैंडलेस रूरल और लेबर की बात होती है। अगर हम प्रॉस्परस फार्मर की बात करें, जैसे कि पंजाब में जो फार्मर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके पास अच्छी खेती बाड़ी होती है, बहुत सारे मतलब काफ़ी वो प्रॉस्परस होते हैं, है ना। अगर हम उनकी बात करें तो उसमें क्या होता है, उनकी जो फैमिली इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई, वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली इनकम काफ़ी हाई हो, उनकी जो जो क्रॉप्स हैं वो उनके जो उनको दाम अच्छे दाम मिले, है ना। और क्या कहते हैं, जो उनके लेबर्स हैं, है ना, वो हार्ड वर्किंग हो और वो चीप लेबर हो, मतलब उनको जो है मजदूरी कम देनी पड़े, है ना, और वो बहुत हार्ड वर्कर हो। दे शुड बी एबल टू द सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और वो अपने बच्चों को जो पढ़ाई के लिए क्या है अब्रॉड भेज सके, बाहर भेज सके, है ना। ये एक क्या है प्रॉस्परस फार्मर की, और अगर बात है करें तो प्रॉस्परस फार्मर की बात होती है, है ना। अगर हम आगे बात करें, फार्मर हु डिपेंड ऑनली रेन फॉर ग्रो क्रॉप्स, और जो फार्मर्स होते हैं वो क्या है, क्या होते हैं, सिर्फ उनके क्या होगा कि वो ये चाहेंगे कि जो उनके क्रॉप्स हैं जो डिपेंड होते हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे, रेन पे, तो ये चाहेंगे कि उनकी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी हो, है ना। और एक रूरल वूमेन की बात करें तो वो रूरल एनियर फ्रॉम अ लैंड अर्निंग फैमिली, जो एक रूरल अगर वूमेन की बात करें जो चाहती है कि कहते हैं उसकी उसकी जो लैंड उनकी अपनी फैमिली हो या फिर उनका जो अपना मतलब खेती बाड़ी अपनी हो, है ना। अर्बन एम्प्लॉय यूथ उनकी अलग होती, तो यहाँ पे हर किसी की जो सोच है वो अलग अलग है, है ना। अगर रूरल वूमेन की बात करें तो वो भी चाहेगी कि यार अच्छी मेरी फैमिली को अच्छी चीज़ें मिले, अच्छी सारी फैसिलिटीज़ मिले। और अर्बन एम्प्लॉय यूथ की बात करें तो क्या होता है, अर्बन में एक शहर में रह रहा है तो वो चाहेगा मेरे पास अच्छा घर हो, है ना, और एजुकेशन के लिए अच्छा सब कुछ हो, है ना, सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ हो, है ना। अगर एक बॉय की बात करें जो कि रिच अर्बन फैमिली से है तो उसकी सोच क्या होती है, भाई बंगला हो, गाड़ी हो, ऐश करने के लिए हो, पैसे हो उड़ाने के लिए, उड़ाने इन द सेंस मतलब वो वट एवर ही वॉन्ट्स उसको वो सारी चीज़ें मिले, है ना। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। अगर हम वहीं हम एक रिच अर्बन फैमिली की बात करें, जो एक लड़की जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, वो क्या चाहेगी, उसको फ्रीडम मिले जैसे कि उसको भाई को मिल रही है, और क्या हुआ, डिसाइड करे व्हाट शी वांट्स, उसको क्या चाहिए अपनी लाइफ में जो वो कर सके, जो उसको वो अच्छा लगे, है ना। और क्या कहते हैं, उसको स्टडी के लिए क्या कहते हैं, आगे फर्दर स्टडी के लिए उसको क्या करना पड़े, आगे अब्रॉड उसको भेजा जाए, है ना।
ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसकी उसकी अपनी सोच है या फिर उसका एक डेवलपमेंट गोल है या एस्पिरेशन, उसकी एक आशा है, जो भी कह सकते हैं आप, ये होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बात करें तो नर्मदा वैली, मतलब हर किसी की अपनी एक कह सकते हैं हम डेवलपमेंट गोल होता है, कैटेगरी, हर कैटेगरी ऑफ पर्सन का, तो वो हर किसी का अलग अलग होता है ना। डिफरेंट कैटेगरीज के लोग होते हैं, अगर आप भी हैं, अगर आप 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके घर की जो मतलब उसकी सिचुएशन आपकी अलग अलग है, हर फैमिली की अलग होती है, सेम तो किसी की नहीं होती है, है ना। तो आपकी फैमिली के भी कुछ गोल्स होंगे, कुछ एस्पिरेशंस होगी, आपकी पेरेंट्स को भी, पेरेंट्स के भी आपको लेकर, कि हमारा बच्चा पढ़ाई करके बाहर जाए या फिर एक अच्छे स्कूल में पढ़े या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, है ना। हर किसी फैमिली का एक सोच होती है, एक थिंकिंग होती है ना। और अगर हम नीड्स की बात करें तो कभी भी किसी भी फैमिली या किसी भी पर्सन की जो भी नीड्स होती है वो कभी फुलफ़िल नहीं हो सकती। अगर आप आज आपके पास घर नहीं है तो आप ये सोचेंगे हमारे पास घर है, अगर आपके पास घर है तो आप आगे क्या सोचेंगे, हमारे पास गाड़ी हो, है ना, गाड़ी है तो आपकी जो डिमांड है और हाई होंगी, कि मतलब मेरे पास लग्जरी गाड़ी हो। अगर नॉर्मल घर है, पहले घर नहीं, नॉर्मल घर है तो इससे बड़ा घर, तो हमारी जो डिमांड्स होती हैं, हमारे जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट गोल होते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, है ना। तो ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या लिखा है ना, क्या समझ में आया आपको उस टेबल्स के उसमें, कि हमने ये देखा भाई हर किसी की अपनी अलग एस्पिरेशंस होती हैं, अपनी डिज़ायर्स होती हैं, है ना, सबके अलग अलग होती हैं, किसी की सेम नहीं होती हैं। अब हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, विच आर द कॉन्फ्लिक्टिंग, अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। अगर हम एक गर्ल की बात करें, वो क्या एक्सपेक्ट करेगी, उसको भी फ्रीडम मिले, आप भी, अगर आप में भी, अगर 10th क्लास में कोई लड़की है, कोई लड़का है, तो लड़की क्या सोचती है कि मुझे भी फ्रीडम मिले जैसे कि मेरे भाई को मिल रही है, क्योंकि वो कभी भी बाहर जा सकता है, कभी भी बाहर से आ सकता है। बट इन इंडिया, अगर हम भारत की बात करें, तो गर्ल्स को बाहर नहीं भेजा जाता ज़्यादातर, लेट नाइट की मतलब दिस इज़ नॉट सेफ, यू शुड नॉट गो आउट, यू आर नॉट अ बॉय, मतलब यू आप मतलब ऐसा होगा कि आपके पेरेंट्स आपको उस चीज़ के लिए कई सारे एक्सक्यूज़ दे देंगे, है ना। बट एक लड़की हमेशा यही चाहेगी कि उसको फ्रीडम मिले, राइट। एंड ही ऑल्सो शेयर्ड इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो ये भी चाहती है कि जो भी उसका भाई है वो क्या करे, घर के कामों में उसकी मदद करवाएं, है ना। तो और हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, हो सकता है उसका भाई ये पसंद ना करे, क्योंकि बॉयज़ जनरली क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो घर के हाउस होल्ड में मतलब हेल्प करवाते हैं, दे डोंट लाइक, ये बोल सकते हैं, या तो यहाँ की मेंटालिटी होती है, यहाँ के लोगों की सोच होती है कि भाई लड़का ऐसे कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती, कुछ भी आप कह सकते हो, है ना, वो एक अपनी सोच होती है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियल मे वॉन्ट मोर डैम्स, और अगर सिमिलर हम इसी तरह की बात करें तो हमें एक इंडस्ट्री को क्या होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है ना, ताकि वो और डैम मे वॉन्ट मोर डैम और डैम, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। बट दिस मे द सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब्स द लिव्स ऑफ पीपल हु द डिस्प्लेस सच एज ट्रेबल, दे माइट रिसेट दिस एंड मे परफर स्मॉल चेक डैम और थैंक टू द इरीगेट देयर लैंड। मतलब अगर डैम बनेंगे तो कहते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा भी होगा, इरीगेशन के लिए भी होगा, है ना, तो कई सारे चीज़ें उसमें हो जाती हैं। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, है ना, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है। वन, डिफरेंट पर्सन, पहला तो ये कि जो अलग अलग लोग हैं कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, मैं ये बात मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, हर इंसान का, हम में से भी अगर हम लोग हैं तो हमारे भी क्या, हमारा डिफरेंट जो गोल होगा वो अलग अलग होगा। एंड वर्ड मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, जो डेवलपमेंट हमारे लिए है हो सकता है वो डेवलपमेंट दूसरे के लिए नहीं, दूसरे की जो डेवलपमेंट है वो कुछ और हो सकता है, इट मे इवन बी द डिस्ट्रक्ट फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए अलग हो सकता है। मतलब अगर मेरे लिए एक नॉर्मल घर लेना एक मेरी डेवलपमेंट है, बट हो सकता है वो सामने वाले इंसान के लिए नहीं है, बिकॉज उसके पास वो है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो ही सोचेगा कि मेरे पास एक गाड़ी हो, क्योंकि वो उसका डेवलपमेंट होगा, उसके पास गाड़ी है वो सोचेगा मेरे पास एक बंगलो हो, है ना। तो मेरी जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो तुम्हारी तरह सेम नहीं हो सकती है, या तुम्हारी जो है वो दूसरे की तरफ सेम नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक मेंटालिटी होती है, उसको किस चीज़ में उसको ऐसा लगता है कि उसकी डेवलपमेंट इसमें, किस में उसकी ग्रोथ है ना बेटा।
तो होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. इनकम एंड अदर गोल ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं. और इसमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं. एंड प्लीज़ मुझे सेंड करिए या फिर आप प्रिंसिपल मैम को ये सेंड कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू.